शनि जो साथ है तो शनि को भी फिर लेके आगे 9 दिन अंदर डालेंगे, खैद करेगा दज्जाल और आपको भी करेगा और वो हो जाएगा एक सीन, फिर अल्लाह उसका बदला लेगा सारी दुनिया से और बताएगा कम से कम सिखों से और दज्जालों से इंशाल्लाह। तो ये एक सीन है, ये आपको करना है, मतलब ये सीन भी नेचुरल होना चाहिए तो ये महदी अलैहिस्सलाम बनेंगे क्या? अरे भाई आप कह रहे हो कि अल्लाह का अदाकार बनाओ मुझे, यानी पहली बात तो आप गलत समझ गए थे कि महदी अलैहिस्सलाम उसको कहते हैं कि जो तबलीग करता है, जो अल्लाह का काम करेगा, जो हाफिज होगा, जो आलिम होगा, जो मुफ्ती होगा, जो दाढ़ी वाला होगा, ऐसे होगा, वो क्लीन शेव होगा भाई। अरे ऐसा कैसा हो सकता है भाई, महदी अलैहिस्सलाम क्लीन शेव? नहीं नहीं नहीं, महदी अलैहिस्सलाम तो बड़ी पाक शख्सियत है, वो है क्या दाढ़ी रखने वाले पाक हो जाते हैं बोलने का मतलब नहीं, वो सुन्नत मौके है, मगर महदी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा लिखा हुआ है कि उनको दाढ़ी नहीं होगी, शबाहत नबी की तरह नहीं होगी। हाँ ये सीन है, वो करना है मखसूस महदी अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा सीन है। तो आपके साथ है क्या? वो बोलेंगे कि भाई ये नेचुरल सीन्स तो हम नहीं कर सकते, शूटिंग का बोलो फिल्मों का कर ले। तो भाई फिर इधर कह को आए, फिल्म कंपनी में जाओ ना, यहाँ पे सब मामला ओरिजिनल ओरिजिनल है, फाइट्स ओरिजिनल, बच्चे ओरिजिनल, शनिदेव ओरिजिनल, गंगा जो ऐसा एक बीवी आएगी जो बाल से पकड़े जाएगी आपके, यानी महदी अलैहिस्सलाम आप बनना चाहते हैं तो बाल से पकड़ेगी और वो बिल्कुल गाय की तरह रफ एंड टफ होगी, और उसका एक भाई होगा सगा चचेरा भाई जो कि नाजायज पैदाइश होगी, मतलब वो नाजायज पैदाइश भी ओरिजिनल होनी चाहिए, हाँ वो तार कसूर होगा। तो ऐसा सीन करना पड़ेगा। फिर वो गंगा यानी वो बीवी को बाप जो है तपस्या करके जमीन पर लाएगा, यानी बीवी को लाता कौन है जमीन पर? बाप ही लाता, लिहाजा वो सीन भी होना, आपके सुसरे भी होना चाहिए। तो भाई ये सुसरे कितने सुसरे होना चाहिए? 1, 2, 3 नहीं, पैसे 9 सुसरे होना चाहिए। क्या ये सीन्स आपके साथ, मतलब ये नेचुरल सीन्स आपको करना होगा तभी जाके आप महदी अलैहिस्सलाम बन सकते हैं। फिर आपको सपोज आपको बहन भाई का एक सीन, चलो तनवीर का एक सीन आप कर लो, महदी अलैहिस्सलाम के बड़े बहन भाई का सीन कर लो आप, महदी अलैहिस्सलाम के छोटे बहन भाई रिश्ते में लेकिन बड़े, यानी बड़ी छोटी बहन के शौहर, उनका सीन क्या है? वो सीन कम से कम कैरेक्टर आर्टिस्ट हो जाओगे। वो सीन क्या है सुनिए, मतलब अगर आपको तनवीर का रोल दिया जा रहा है, महदी अलैहिस्सलाम के सगे बहन भाई का रोल दिया जा रहा है, तो आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है आपको, आपको हार्ट अटैक आएगा, आपको फिर ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, फिर आप ना आराम से तकलीफ में आ जाओगे, गाड़ी नहीं चला सकोगे, फौरी आपको दवाखाने लेके भागेगी आपकी बीवी, और वहाँ पर जो है ना जो लोग शादी में आए थे, जो साथी बने थे शादी में, वही लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, और एक शाप करके लड़का रहेगा, वो आएगा, वो पहुँचेगा, फिर पापा बोल के उनके दूसरे रिश्तेदार रहेंगे, वो आएंगे वहाँ पर पहुँचेंगे, फिर डॉक्टर साहब आएंगे, कोशिश करेंगे 25,000 का इंजेक्शन लगाएंगे, और आखिर में उनको बचा नहीं पाएंगे, 4-5 घंटे के बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। है इंतकाल हो जाएगा, हाँ। तो ये सीन बहन भाई का है, क्या आप बहन भाई का रोल करना चाहेंगे महदी अलैहिस्सलाम के? फिर क्या होगा? फिर आपको लाया जाएगा तो खून बहरा होगा मुंह से, लाश फूल रही होगी, यानी आप फूलते रहोगे, यानी सच में मरना है, बिल्कुल सच में मरना है, यानी ये सीन करना पड़ेगा आपको ओरिजिनल। फिर आपके नाम में साथ होना चाहिए, फिर आप दो बहनों के साथ रहना चाहिए, एक साली और एक बीवी के साथ, फिर ये सीन है। फिर उसके बाद आपको लेके जाएंगे क्या बोलकर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलेंगे, और लेकर जाके आपको खबर में गाड़ देंगे, गाड़ देंगे, वो भी ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल भाई। अगर फिल्म भाई सीन अगर करना है तो यहाँ पे चाहे बहन भाई का हो या साले का हो या किसी और का सीन हो या हीरो महदी अलैहिस्सलाम का मेन सीन हो, सब आपको ओरिजिनल ही करना पड़ेगा तो ही आप महदी अलैहिस्सलाम बन सकते हो। अरे भाई लोग बोलेंगे कि ये सीन्स हम नहीं कर सकते भाई, ये सीन्स है कि ये मौत के कुएं, इससे गुजरना पड़ेगा, कहीं तो पागल होना पड़ेगा फिर उठना पड़ेगा। अरे भाई पागल हो रहे हैं, पागल है नहीं, पागल समझ के ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपको। हाँ अरे वो तो और भयानक, सच में पागल हो गए तो क्या करेंगे यार, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन होंगे नहीं ना, अल्लाह बचाएगा ना, ऐसा है। फिर मारेंगे भी, हाँ सर फोड़ेंगे, पीठ फोड़ेंगे, फिर आप भी मारोगे, फिर आखिर में आप दुनिया पे हुकूमत भी तो करोगे ना, हाँ। फिर उसके बाद दुनिया आपको फैन भी हो जाएगी, दुनिया आपकी है ना, वो भी तो है ना, फिर वो भी तो सीन है मजे का। अरे वो मजे का सीन तो बाद में, पहले प्रॉब्लम के जो सीन है वो कौन करेगा? ये फिल्म की शूटिंग बोलो हम कर लेते हैं, जिसमें नकली खून लगाए, नकली फाइट हो, नकली गाने हो, नकली नाचना हो, हाँ नकली बीवियां हो, चलेगा, नकली माँ बाप चलेगा। तो भाई यहाँ पे क्यों आए हो, फिल्म कंपनी में जाओ ना, यहाँ पे आए तो हर सीन ओरिजिनल होगा,
हाँ ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल, फाइट ओरिजिनल, सब ओरिजिनल, न्यूज ओरिजिनल, लड़ाई ओरिजिनल, कतल गारतगिरी भी हो सकता है, वो भी ओरिजिनल, हाँ अल्लाह हुआ। तो इसको महदी अलैहिस्सलाम कहते हैं, जी हाँ। फिर ये स्क्रिप्ट कहाँ से लाए? ये स्क्रिप्ट हमने नहीं बनाया भाई, जो बनाए थे वो रिकॉर्ड करें, क्योंकि अल्लाह की तरफ से स्क्रिप्ट आया था, वो वैसे महफूज रखा हुआ है, उसको शूटिंग करके जो बताएगा उसको सबको महदी कहते हैं, और उसके साथ को अदाकार भी हैं। तो बहने का सीन तो आप नहीं करोगे, फिर आप खबर में से जिंदा उठ के आओगे, यानी खबर में से फिर जिंदा भी उठ के आएंगे। हाँ वो कौन उठाएगा? अल्लाह ही उठाएगा, क्योंकि डायरेक्टर साहब कौन है? हादी साहब अल्लाह है ना। तो जो मट्ठी डाली जाएगी, जो खबर में डाले जाएंगे, वो पूरा ओरिजिनल होगा, बिल्कुल ओरिजिनल, कोई शक नहीं, यानी मर जाएगा ओरिजिनल, ओरिजिनल मर के फिर से जिंदा होना है। हाँ ये सीन सिर्फ एक के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद मेहदी अलैहिस्सलाम को दुनिया में मशहूर शोहरत भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, नेचुरल शोहरत, क्योंकि ये सीन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ लास्ट टाइम हुआ था, फिर अब होगा इंशाल्लाह जो असली मेहदी अलैहिस्सलाम उनके साथ, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम से बनी इज़राइल के लिए थे, लेकिन मेहदी अलैहिस्सलाम सारी दुनिया के लिए है, लिहाजा ये सीन इंटरनेशनल होगा। उस वक्त 4 दिन थे, शायद यहाँ पर 4 महीने हो जाए या 4 साल भी, अल्लाह हुआ अल्लाह करके बताने पे खादर है, नोट करिए। तो फिर ये सीन है, क्या आपके साथ ये सीन्स हुए तो फिर आप मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नायक हो या यहया हो या कोई और शख्स हो, मेहदी अलैहिस्सलाम बनना एक अल्लाह का मिरेकल है, जो मेरे साथ हुए हैं माशाल्लाह से, सीन्स और हो रहे हैं और कुछ बाकी हैं इंशाल्लाह, मेन सीन्स हो चुके हैं और कुछ अहम सीन्स और बाकी हैं इंशाल्लाह, इसके बाद सारी दुनिया में रिलीज हो जाएंगे ये प्रोजेक्ट, और अल्लाह ताला हमको दुनिया का शहंशाह भी बनाएगा इंशाल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी अब मेहदी अलैहिस्सलाम बनने की ख्वाहिश नहीं रखेगा, क्योंकि ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, हाँ ये वो है जिसे अल्लाह ताला अता करे, ये वो नेमत है, ये वो अदाकारी है जिसे अल्लाह ताला हिदायत करे। मेहदी के माने अल्लाह हिदायत करता है और अल्लाह नज़र नहीं आता, लेकिन हम वायरों से बंधे हुए, इनविजिबल वायर, रिमोट कंट्रोल की तरह जो चलाए जा रहे हैं। बीबी